है कि 30 सितंबर से पूर्व इस पर कोई फैसला लेवे, अन्यथा आज रात से विरोध स्वरूप हम लोग रात्रि 8 से 10 बजे तक अपने पेट्रोल पंप्स के लाइट्स बंद रख के। जरूरी नहीं कि हर हीरा हो हीरे जैसा खरा, लेकिन तनिष्क का हर हीरा है 100% नेचुरल और गुणवत्ता व विश्वास दोनों पर खरा। बाय ये डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर 20% तक ऑफ, विजिट तनिष्क शोरूम इंडिया मोटर सर्किल अजमेर। सर हम अजमेर जिले के पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अजमेर। आज हम लोग यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं। जैसा कि आपको विदित है कि पूर्व से हम लोग वैट कम करवाने के लिए संघर्षरत है, और 15 सितंबर को माननीय मंत्री खाचरियावास जी के निवेदन पे हमने अपना संघर्ष कुछ दिनों के लिए विराम किया था कि एक कमेटी बनेगी जो राजस्थान में वैट को कम करने पे विचार करेगी। परंतु हमें ज्ञात हुआ कि कल रात को कमेटी बनी है। अब वो कमेटी कब अपना काम करेगी, कब सरकार को रिपोर्ट पेश करेगी, तब तक तो चुनाव आचार संहिता लग जाएगी और हमारा वैट का मामला अधरजूल रह जाएगा। इसीलिए हम लोग कलेक्टर साहब को यह ज्ञापन देने आए हैं कि इस पे 30 सितंबर से पूर्व मुख्यमंत्री साहब के नाम पे हमने ज्ञापन दिया है कि 30 सितंबर से पूर्व इस पे कोई फैसला लेवे, अन्यथा आज रात से विरोध स्वरूप हम लोग रात्रि 8 से 10 बजे तक अपने पेट्रोल पंप्स के लाइट्स बंद रख के विरोध प्रकट करेंगे। साथ ही 1 अक्टूबर 2023 से सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक हम बिक्री बंद रखेंगे अनिश्चितकालीन के लिए, और इसके बाद भी अगर सरकार ने हमारी बात नहीं मानी तो हम 24 घंटे के लिए पंप बंद करने को मजबूर हो जाएंगे। आपका नाम? मेरा नाम अशोक जयसिंघानी, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अजमेर। हम राजस्थान पेट्रोलियम एसोसिएशन अजमेर से डीलर बंधु यहाँ पधारे हुए हैं। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि हमारी जो हड़ताल चल रही थी अभी तक, इसमें बीच में सरकार ने वार्ता करी थी और 10 दिन में एक कमेटी बनाकर उसका डिसीजन देने की बात हुई थी, तो वो कमेटी अभी कल परसों ही बनी है। तो जब तक उस कमेटी बनेगी और वार्ता करेगी, जब तक आचार संहिता लग जाएगी, तो हमारा जो वेट का मैटर है वो अधर में ही रह जाएगा। इसीलिए हमने वापस से कल तक का कलेक्टर को ज्ञापन दिया है कि भाई मुख्यमंत्री के नाम से कि 30 तारीख तक इसमें कोई फैसला लेवे, नहीं तो 1 तारीख से हम शाम को 8 से 10 बजे तक लाइटें बंद रखेंगे और दिन में 10 बजे से 2 बजे तक सेल बंद रख के विरोध प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा भी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर जाने के लिए भी मजबूर हो जाएंगे। कौन सी मुख्य मांग है आप लोगों की? हमारी मुख्य मांग अभी यह है कि हमारा जो राजस्थान में जो वेट लग रहा है वो पड़ोसी राज्यों के वेट के बराबर हो, जिसमें पंजाब है तो उसके बराबर ही यहाँ पे वेट। नाम राकेश विजयवर्गीय, सेक्रेटरी आरपीडी अजमेर।